त्रिशंका में पत्नी मंशा की हत्या करने वाले आरोपी पति राजेश कुमार को छावनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा घर में पत्नी मंशा का गला पकड़कर दीवार में सिर को ठोककर उसकी हत्या कर दी थी। छावनी थाना पुलिस की हिरासत में मौजूद इस युवक का नाम है राजेश कुमार, जो सुंदर नगर कैंप एक का निवासी है। आरोपी राजेश कुमार ने चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी मंशा की हत्या कर दी थी। घटना बीते 1 दिसंबर की है। पत्नी मंशा को घायल अवस्था में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद सुपेला थाना पुलिस ने जीरो में मर्ग कायम कर छावनी थाने में घटना की सूचना दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छावनी थाना पुलिस को कार्रवाई करने निर्देशित किया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा मृतका मंशा के पति राजेश से पूछताछ की गई। आरोपी पति लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। वहीं उत्तर प्रदेश से आए मृतका के परिजनों ने राजेश पर संदेह जताया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति राजेश से सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पत्नी मंशा की हत्या करने की बात को कबूला और पुलिस को बताया कि चरित्र शंका को लेकर उसने पत्नी की हत्या की है। घटना दिनांक को भी आरोपी राजेश ने दीवार से पत्नी मंशा के सिर को ठोक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी सोनल ग्वाल ने दी। दिनांक 1/12/23 को मनसा देवी, जो कि कैंप वन की रहने वाली है, उसके संदेहास्पद मृत्यु की सूचना मिली थी, और जिस पर सुपेला में उसको ब्रॉड डेड भी घोषित किया गया था। वहाँ से जीरो में मर्ग कायम हुआ था और थाना छावनी को सूचना मिलने पर इसमें मर्ग नंबरी दर्ज करके विटनम ली गई थी। घटना की सूचना श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राम गोपाल गर्ग सर को दी गई थी। उनके द्वारा भी मामले की गंभीरता से, सूक्ष्मता से, शीघ्रता से कार्रवाई करने के हेतु निर्देशित किया गया था। उप में जब दर मामले की जांच की गई है तो ये पाया गया कि मृतका में की मृत्यु जो कि संदेहास्पद लग रही थी और उसके परिजनों के द्वारा भी शंका व्यक्त की गई थी। परिजन जो कि यूपी में रहने वाले थे, उनके द्वारा 2 दिन बाद जब वो यहाँ आए तो बॉडी को मर्चरी से निकाल कर डॉक्टर, महिला डॉक्टर की टीम द्वारा उसका PM भी कराया था। घटना से निरीक्षण, गवाहों के कथन, शॉर्ट PM से, ये शॉर्ट PM में जो भी होमिसाइडल एक्सीडेंटल में भी डॉक्टर द्वारा उल्लेखित किया गया था, उसको कोरिलेट करते हुए विवेचना की गई, जिसमें पाया गया कि आरोपी राजेश कुमार जो है उसकी स्थिति संदेहास्पद है, और क्योंकि घटना के समय वो दोनों अकेले ही थे और मारपीट उसके द्वारा बाहर में भी किया गया था, ऐसे मोहल्ले वालों ने देखा भी था। उस पर हम लोग जो जांच पर से प्रकरण में आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ 302 रजिस्टर्ड करके विवेचना लिए हैं, और विवेचना लेने के बाद उसकी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किए गए। पर पहले तो उन्होंने उसके द्वारा मामले में गुमराह किया जा रहा था। कड़े से पूछताछ करने पर उसके पति मनसा देवी के पति राजेश कुमार टूटा और बताया कि उसके चरित्र पर वो संदेह करता था, अड़ोस पड़ोस में जाने के लिए मना भी करता था, और उसी बात पे उसमें मारपीट हुई। और उस दिन घर पर ही जब वो अकेले थे, सिर उसके दीवार में टकरा कर उसकी हत्या कर दिया था, और मामले को मतलब दबाते हुए ये बात बताया कि वो स्कूल गया था और जब घर में उसकी पत्नी अकेले बेहोश हालत में मिली थी। पर मामले में खुलासा हुआ है और आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने पर मेमोरेंडम के लेकर उसे आवश्यक सामग्री उसके घर से उसके निशानदेह पर जब्त करके इसमें आरोपी गिरफ्तारी की गई है राजेश कुमार की, और उसे रिमांड भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि आरोपी अपनी पत्नी मनसा के चरित्र पर संदेह किया करता था, इसकी वजह से आए दिन उनके बीच विवाद होता था। घटना दिनांक को भी मृतका अपने पड़ोस में गई थी, यहां भी आरोपी ने उससे विवाद किया और मारते हुए घर लाया था। फिर घर में विवाद बढ़ने पर पत्नी मनसा के सिर को दीवार में ठोक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।